सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा है। हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ का, और उसके बाद लास्ट में हम लोग सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग यानी कैसे करते हैं हमारे द्वारा काउंसलिंग कराने के लिए, उसके मैटर पे हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2023 का कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, यानी यहाँ सबसे पहले हम लोग GNM का बात करेंगे, ठीक है, गर्ल्स के लिए, उसके बाद ANM का, फिर बॉयज लोग के सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये GNM का जो आपका रहता है कोर्स, उसका आपका क्या कट ऑफ जाता है, तो 2022 के अकॉर्डिंग ये आपका कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी के आसपास आपका आ रहा है तो सिलेक्शन की आपकी पूरी चांसेस है। तो हम लोग जब रैंक कार्ड आता है, तो रैंक कार्ड में हम लोग वुमेन रैंक यानी जो नीचे आपका रैंक रहता है, दो रैंक आते हैं, एक ओपन रैंक आता है और एक वुमेन रैंक आता है स्पेशली फॉर गर्ल्स, और GNM ANM और RCG करके एक आता है जो कि बॉयज जो कोर्सेज करते हैं उसमें भी जाने के लिए। तो यहाँ पे वुमेन रैंक देख सकते हो आप है, तो ये वुमेन रैंक के अकॉर्डिंग आपका है। जनरल से अगर आपका 2560 के अंदर रैंक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन GNM का होने का पूरा चांसेस है। EWS में 420, EBC में 960, BC में 820, ST में 970, ST में आपका 65 और RCG से आपका 320, ठीक है। तो ये आपका हो गया GNM PM का यानी पैरामेडिकल का वुमेन रैंक, जिससे आपको GNM मिलेगा गर्ल्स के लिए। और PDF जो हमारा प्रोस्पेक्टस है, जो आपका जिसमें सीट्स वगैरह, सीट मैट्रिक्स वगैरह जो इस साल के हैं, जितने सीट्स अवेलेबल हैं सारे कॉलेजेस में पूरे बिहार पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में, मैट्रिक में, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, PPI ट्यूटोरियल करके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इस साल हम लोग काउंसलिंग जैसे पिछले साल भी कराए थे, हमारे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे द्वारा काउंसलिंग कराए थे सभी को सीट मिला था, तो इस साल भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, यानी मैं खुद करूँगा, आपका मेरे द्वारा कराया जाएगा, और काउंसलिंग फ़ी रहेगी आपकी 99 रुपीज़, यानी आपका इसमें सब कुछ होगा आपका इंक्लूडेड, यानी आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर रैंक कार्ड तक जो आएगा सारा प्रोसेस आपका इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको करने के लिए रजिस्ट्रेशन आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि काउंसलिंग कराना है, तो आपको मैं अभी ग्रुप में जोड़ दूंगा, और जब आपका रिजल्ट, फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तब उसका आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा, वो भी मेरे द्वारा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग ANM। ANM आपका फीमेल कैटेगरी रैंक या ही वुमेन रैंक, तो आपका जनरल से 4400 के अंदर है तो आपका हो जाएगा, यानी फीमेल का रैंक देखना है, ठीक है। आपका ओपन रैंक में इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन फीमेल रैंक देखना है। EWS में 380, EBC में आपका 3100, BC में 3400, SC में 1110, ST में आपका 110 और RCG से 3600 आपका रहेगा, ठीक है। तब ये आपका हो गया, ये मैं 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और ये फीमेल रैंक है। जब ओपन रैंक आएगा तो 4000 यहाँ है, तो ओपन रैंक में भी 8-10-12000 ऐसे रहे, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ का रैंक भी रहता है ना इस वजह से। फिर अब बात कर लेते हैं आपका फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, जितने भी अदर कोर्सेज हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों करते हैं, यानी उनके लिए ओपन रैंक से हमें देखना है। तो ये ओपन रैंक से मैं बता रहा हूँ, UR से 7560 है, यानी ऊपर वाला रैंक जब आएगा रैंक कार्ड में, तो ओपन रैंक यानी फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ओपन रैंक में 7560 होना चाहिए, EWS में 1250 होना चाहिए, आपका EBC में 3550 होना चाहिए, BC में आपका इसके अंदर रैंक होना चाहिए, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। BC में आपका 4550, SC में 2550, ST में 450 और RCG में 4560। ये हो गया आपका पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मैट्रिक का अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ड्रेसर कोर्स आता है उसमें, ड्रेसर आपका ये आपका PM 2022 के ऊपर का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, UR में 1280 के अंदर है तो आप सेफ स्कोर में हो, EWS में 25, EBC में 580, BC में 640, SC में 300, ST में 12 और RCG से 540, ये आपका सेफ स्कोर हो गया। अब जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी रैंक कार्ड आपका 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में मैंने एक्सपेक्ट किया है आने का, उसी के बीच में आपका आएगा, तो उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है 15-20 दिन बाद, तो वो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि फ़ीस हो सकता है आगे बढ़ जाए, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया तो फ़ीस हो सकता है आपका 199 भी कर दिया जाए। तो अभी आपका फ़ीस 99 है, ऑफर चल रहा है काउंसलिंग कराने का, तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन करा के अपना रेडी रहो, और इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप मैसेज कीजिएगा, और आपको मैं अभी रजिस्टर कर दूंगा अपने यहाँ कि फिर आपको कैसे काउंसलिंग करना, और काउंसलिंग मेरे द्वारा की जाएगी, तो अच्छे से आपका कॉल पे पूरा डिस्कस करके किया जाएगा। पिछले साल भी मैंने किया था, प्रत्येक स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेज चाहिए था उनको मिला है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कट ऑफ हो गया। सीट मैट्रिक्स का मैंने ऑलरेडी आपका वीडियो एक बना रखा है कि कितने सारे सीट्स हैं, तो वो जाके आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, और उसका PDF आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये था आज का पूरा कट ऑफ, पूरा मैंने डिटेल से पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का डिस्कस कर लिया। और जो भी बच्चे काउंसलिंग कराने में इंटरेस्टेड है मेरे द्वारा, स्पेशली मैं खुद करूँगा, तो वो आपका फी 99 है, उसमें सारा कुछ रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे करना चाहते हैं अपना हेलो लिख के मैसेज कीजिएगा कि काउंसलिंग कराना है व्हाट्सएप पे, और ये आपका कट ऑफ रह गया और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास जाएगा, इससे थोड़ा सा हो सकता है कम जाए, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा का चांसेस नहीं है, क्योंकि हर साल कट ऑफ हमेशा आपका डिफिकल्ट होते जा रहा है पैरामेडिकल, तो इस वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय, टेक केयर, और कोई भी डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।